कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के दूसरे वर्ष के 70 छात्रों ने बुधवार को वाड़ी के बेना जल शुद्धिकरण केंद्र को भेंट दी। वाड़ी के बेना जल शुद्धिकरण केंद्र को दत्तामेकी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के दूसरे वर्ष के 70 छात्रों ने बुधवार को भेंट दी। इस भेंट के दौरान बेना जल शुद्धिकरण केंद्र के अभियंता प्रदीप वानखेड़े, इन्होंने सभी छात्रों को केंद्र में जल शुद्धिकरण कैसे की जाती है इसकी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद छात्रों को इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया गया। आणि मुलांमध्ये खरोखर एक खूप असा उत्साह आहे पाण्याबद्दल, पाण्यापासून होणारे आजार किंवा त्यापासून जे काही नुकसान होते त्याबद्दल सावध होण्याची भूमिका त्यांना समजावून सांगितलेली आणि मुलं त्याप्रमाणे काळजी घेत आहेत। तसंच पाण्याचं महत्त्व, पाणी उत्पादन करायला जो खर्च येतो तो खर्च आणि त्या पाण्याचा रेट हा इतका कमी आहे, म्हणजे 15 रुपये 70 पैसे युनिट 1000 लिटर पाण्याला, म्हणजे 1000 बिसलरी बॉटल 15 रुपयामध्ये मिळतात। इतकं स्वस्त पाणी आणि पाण्याची बिलं भरल्या गेली पाहिजेत असं त्यांच्यावर बिंबवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। आणि खरोखर मुलांचे जिज्ञासा किंवा क्युरिसिटी दिसलेली आहे ती वाखाणण्यासारखी आहे। मुलांना या आम्ही भविष्यात क्यूएस चिंतित। बेना जल शुद्धिकरण केंद्र को भेट देने के बाद छात्र ने हमारे टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ आकर हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारी हमें भविष्य में काम आएगी। आणि कसं कन्झर्व होतं, कसं क्लिअर होतं, कसं त्याची सगळी प्रोसेस ही आम्हाला सरांनी खूप चांगल्याने मग अशी थिअरिटिकली पण एक्सप्लेन केली आणि प्रॅक्टिकली पण एक्सप्लेन केली आहे। पूर्ण फ्लोचार्ट पूर्ण प्रोसेसमध्ये आम्हाला एक्सप्लेन केलं, पहिले कुठनं पाणी येतं, त्याचं पुढे क्लॅरिफिकेशन प्युरिफिकेशन सगळं सांगितलं, त्यात सोबत इथे सगळं दाखवून प्रॅक्टिकली कुठली स्टेज कुठली पहिली कुठनं नंतर कुठे पाणी जातं ते सगळं आम्हाला दाखवून अजून आमचे कॉन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहेत। आणि ही आमच्यासाठी नक्कीच ही साइट विजिट चांगली राहील। आणि दुसरे छात्र ने बताया की हमें यहाँ आकर पाणी का क्या महत्व होता है इसकी जानकारी मिली। त्यानंतर त्यांनी इथली प्रोसिजर सांगितलेली आहे की पाणी कसं शुद्ध केलं जाते, कुठलं पाणी कुठे जातं, त्यासोबत त्यांनी आम्हाला एक आमच्या भाषेत म्हणजे फ्लोचार्ट मध्ये त्यांनी आम्हाला समजून सांगितलेलं आहे। तसंच इथे आल्यावर त्यांनी आम्हाला यांचे हे जे लोक आहे त्यांनी इतका चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे आम्हाला इथे, यांचा स्वभाव आणि यांचे जे हे आहे सांगण्याचे तात्पर्य ते अति उत्तम आहे। त्याबद्दल जे आमचे कन्सेप्ट होते ते चांगल्या प्रमाणे आमचे क्लिअर झालेले आहे। कॉलेज के प्राचार्य इन्होंने हमारी टीम को बताया कि ये हमारे विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें बेना जल शुद्धिकरण केंद्र से अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह से हम लोगों का वेलकम किया जाएगा, इस तरह से हमें यहाँ पे सब चीजें बताई जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ से हमें सपोर्ट मिला है इस जगह से, सारे टीम मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वानखेड़े सर जो है जिन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो ये मुझे लगता है कि मोर देन टीचिंग है। और ये सब्जेक्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसको किस तरह से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और किस स्टेजेस के थ्रू हमें यूज करना चाहिए और प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ये जो छोटी छोटी लर्निंग है ये शायद मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर रूम में पॉसिबल है। इसके लिए स्टूडेंट्स को बाहर आना जरूरी है, इसलिए स्टूडेंट्स को साइट विजिट जरूरी है और इस तरह की एक्सपीरियंस जरूरी है। तो आज जो लर्निंग है स्टूडेंट की यहाँ पे ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मतलब स्टूडेंट शुड गो बियॉन्ड देयर होम, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर एंड एसेंस ऑफ लर्निंग दैट वी आर हैविंग टूडे। इट्स वेरी ब्यूटिफुल साइट, वी कैन से दैट। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।